हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ रश्मि सचान और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे सभी वीडियोस पसंद आ रहे हैं। सो लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट भी छोड़ दिया करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट के थ्रू। तो चलिए चलते हैं। तो बिना कोई देर किए फटाफट लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। मेरे पास यहाँ पर आधा किलो कटहल है, जिसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। अब मैं इसे कुकर में डाल रही हूँ और मैं इसे बॉईल करूँगी हल्का सा, एक सीटी आने तक। पानी मैंने डाल दिया है इसमें और डालूँगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर, जिससे कि हमारे कटहल में कलर अच्छा सा आ जाए। और थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और इसे एक सीटी इसको लगा लेती हूँ। कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई में मैंने यहाँ पर कुछ 3 चम्मच, 3 बड़े चम्मच तेल ले रखा है, क्योंकि मेरे पास आधा किलो कटहल है। इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। कटहल की सब्ज़ी में लहसुन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सब जानते ही हैं। और लंबा कटा हुआ प्याज डालेंगे। मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे। प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा ही रखें तो ज़्यादा स्वादिष्ट कटहल बनकर तैयार होगा। प्याज को लंबा स्लाइस किया गया है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच, जिसको मैंने पानी के साथ थोड़ा सा डाइल्यूट कर लिया, यानी कि पतला कर लिया है। इसे भी भून लेती हूँ अच्छे से। और जैसे ही प्याज हमारा मुलायम हो जाएगा, इसमें हल्दी डाल देंगे, मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच, और धनिया पाउडर भी 1/2 छोटी चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला 1 चम्मच। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर का पेस्ट है। ये टमाटर को प्यूरी बना लिया है, आप कद्दूकस भी कर सकते हैं टमाटर को। और अब यहाँ पर नमक डाल लेते हैं, जिससे कि टमाटर जल्दी से पानी रिलीज कर दे और हमारे मसाले जलें भी ना। अब हमें मसाले को अच्छे से भूनना है। आप देख रहे हैं मसाला किस तरह से गाढ़ा होता जा रहा है। किसी भी सब्ज़ी को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसाला अच्छे से भुना हुआ होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा कि ये मसाला कुछ इस तरह का हो गया है, तेल छोड़ दिया है मसाले ने, और ये हमारा जो मसाला है काफ़ी अच्छा बनकर अब तैयार हो चुका है। तो इसमें जो हमने कटहल बॉईल किया था वो कुछ इस तरह का है। इसके टुकड़े अभी भी वैसे ही हैं, क्योंकि हमने बड़े टुकड़े रखे थे। और अब इसे मिक्स कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें फ्लेम को धीमा कर लीजिए, यहाँ पर हो सकता है मसाला नीचे जलने लगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इसे थोड़ा सा ढकेंगे, 2 मिनट तक धीमी आंच में ढकने के बाद में हम इसे खोलेंगे। अब हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। पहले हमने पानी नहीं ऐड किया था, जिससे कि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए और सभी मसाले अच्छे से कोट हो जाएं इसमें, इसलिए हमने इसे बिना पानी के ढका हुआ था। हमारा कटहल तो पका ही है, हम इसको हल्का सा गीला कर लेते हैं। तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है। आप चाहें तो और भी पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और पानी डालने के बाद में नमक वगैरह आप चेक कर लीजिए। और इसे बस हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम में रख देंगे, जिससे कि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए और सब कुछ अच्छे से मिल जाए। तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। और 1 मिनट के लिए मैं खुली आंच में पका लूँगी हाई फ्लेम पर, जिससे कि ये अच्छे से सब कुछ मिक्सअप हो जाए और ये ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाए। और बाकी सब्ज़ी पककर आपकी तैयार हो चुकी है। मैंने सब्ज़ी को निकाल लिया है, उम्मीद कर रही हूँ कि पसंद आया होगा।